जैसे साइकिल होती है उसमें पूरा एक फ्रेमवर्क होता है चेन्स का और सब कुछ का, और अगर हम एक साइकिल को बहुत टाइम तक नहीं चलाते हैं तो वो जंग लगने लग जाता है और साइकिल चलने की हालत में भी नहीं रहती। तो हमारा माइंड भी कुछ इस तरीके का है। लोग क्या करते हैं, मतलब आज की बने रहते हैं, कुछ भी मतलब टाइम पास करते रहते हैं, एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे माइंड की हमारी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, माइंड उसी जगह पर है। तो धीरे 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 कुछ टाइम के बाद माइंड में जंग लगने लग जाता है और मतलब माइंड हमारा वर्क करना बंद कर देता है। वो सिर्फ माइंड में नहीं, बॉडी में भी जंग लगने लग जाता है। एंड बॉडी एंड माइंड आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स, दिस इज इंटरकनेक्टेड। बॉडी की धज्जियां उड़ेगी तो माइंड की अपने आप ही धज्जियां उड़ जाएगी, अपने आप ही मूड खराब रहने लग जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, तो माइंड को क्या यूज करोगे। जो साजिश है चारों तरफ जिसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो हमको धीरे धीरे और लेजी बनाता चला जा रहा है। पहले कोई चॉइस नहीं थी कि अगर आपको कपड़े धोने हैं तो वो लेना है और उसको ठोकना ही पड़ेगा, मतलब एफर्ट करना ही पड़ेगा। अब क्या है, वॉशिंग मशीन में डाला निकाला काम हो गया। ऐसे ही पहले अगर शॉपिंग करनी है तो बाहर जाना ही पड़ेगा, देखो उसमें ऑप्शन, और बाहर जा रहे हो तो 10-10 रुपए के पीछे 10 जगह पे धक्के खाने ही पड़ेंगे। अब ऑनलाइन बैठे हो मोबाइल से टक 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 टक, तो हो क्या रहा है, चारों तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे कन्वीनियंस के नाम पे हम आलसी होते चले जा रहे हैं। यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर लेजी। इसको ध्यान से समझो बिकॉज दिस इज नीड ऑफ द आवर। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग अचीव तो बहुत कुछ करना चाहते हो लाइफ में, करना बहुत कुछ चाहते हो, अगर बॉडी साथ नहीं देगी तो कुछ नहीं उखाड़ सकते। बॉडी में कई तरह की पेन्स हो गए, ये हो गए, वो हो गए, तो क्या करोगे। तो ये माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं एक्सरसाइज करके किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, करना ही पड़ेगा अगर मेरे को लाइफ में कुछ भी ढंग का करना है तो, अदरवाइज आई विल बिकम मोर एंड मोर लेजी फिजिकली। सिमिलरली एट द लेवल ऑफ माइंड, वहां पर लेजीनेस का मतलब क्या है, एंटरटेनमेंट। चारों तरफ एंटरटेनमेंट है, दैट इज द पिनिकल ऑफ लेजीनेस, एंटरटेनमेंट। आपको क्या करना है, जाकर के बैठ जाओ एक मूवी में, या फिर अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे एक के बाद एक कुछ देखते चले जाओ, ये क्या है, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में क्या होता है, क्या दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ नहीं, आराम से बैठे हो देखे चले जा रहे हो, लेजी, मेंटली लेजी। सोचने का जो काम है वो कोई और कर रहा है आपके, वो सोच करके कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है किसी स्टोरी को, आपको नहीं क्रिएट करना पड़ रहा है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, आप सिर्फ देख रहे हो, तो मेंटली आप लेजी होते चले जा रहे हो एंटरटेनमेंट के नाम पर। लोगों को ध्यान से देखोगे बड़ी जल्दी थक जाते हैं, 30-35 साल की एज में थके पड़े हैं, एनर्जी नजर नहीं आती है, एक स्पार्क नजर नहीं आता है, धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है, अभी है आपके पास में। तो अगर चाहते हो ये स्पार्क बढ़ता जाए एज के साथ में, तो क्या करना है, नंबर वन फिजिकली एक्टिव रहना है मरते दम तक, देयर इज नो चॉइस, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड दूसरा मेंटली एक्टिव रहना है, कहीं पर भी मौका मिले दिमाग की सही तरह की एक्सरसाइज करने का, फालतू की एक्सरसाइज नहीं, डिबेट नहीं, वहां पे कोई एक्सरसाइज नहीं होती है कि आपकी मेमोरी में कुछ भरा हुआ है आप यहां से बोल रहे हो, किसी और की कुछ भरा हुआ है वो बोल रहा है, और आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा पॉइंट सही है तेरा पॉइंट सही है, ना जी, वो कोई माइंड की एक्सरसाइज है, बेकार है। माइंड की एक्सरसाइज मतलब एक प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालना है, दैट सोल्यूशन हैज टू बी फुल प्रूफ, तभी उसको सोल्यूशन कहेंगे। तो अगर इस तरह से आप अपने माइंड को तैयार कर दो तो आप कोई भी काम कर रहे हो या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई तो आपका माइंड ऐसा होगा एक सेकंड में सोल्यूशन निकल के आएगा। लोग स्टक हुए पड़े होंगे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, आपके सामने बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो ऐसे आप सोल्यूशन निकाल जाओगे, माइंड को आपने ऐसे तैयार कर दिया ना शुरू से ही। तो जो आपको अपना दोस्त लग रहा है वो एक्चुअल में आपका दुश्मन है। दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज नॉट योर फ्रेंड, इट्स योर बिग एनिमी। अगर थोड़ा सा भी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाए, मैं नहीं कह रहा एंटरटेनमेंट बुरा है, थोड़ा बहुत ठीक है दिन में आधा एक घंटा, बट द पॉइंट इज अगर इससे हम एडिक्ट हो जाए तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और ये भी समझ आना चाहिए अगर ये दुश्मन है तो दोस्त क्या है, ये हमको पता होना चाहिए कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को डीपली समझना और उसका सोल्यूशन निकालना, ये जो इंटेलिजेंस आपके अंदर है, सबके अंदर होती है ना ये इंटेलिजेंस, ये आपका दोस्त है। लेकिन हम एक्चुअल में क्या करते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स है वहां से भागते रहते हैं, करते हैं नहीं करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना जो असली दोस्त है उसको दुश्मन समझ रहे हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम्स है वो आपके असली दोस्त हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वहीं से आप इंटेलिजेंट हो पाओ। बिना किसी एफर्ट के हमको सब कुछ मिल गया है, पूरी की पूरी दुनिया हमारे हाथ में है, तो बिना कुछ करे ही हमको एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है, एंटरटेनमेंट मतलब मजा आ रहा है, तो हम एडिक्ट हो गए। अब हमें क्या करना होगा, जो हमारा बेसिक नेचर है, जो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है, उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा अगर बचना है तो। डिफॉल्ट सेटिंग ये नहीं है कि एफर्ट करते रहो, डिफॉल्ट सेटिंग ये नहीं है कि एक्सरसाइज करते रहो, तो डिफॉल्ट सेटिंग को ही चेंज करना पड़ेगा। तो वो तभी हो सकता है जब पहले आपको ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर लो अपनी लाइफ में कि हाँ, दिस इज माय रियल फ्रेंड एंड दिस इज माय रियल एनिमी।
एफर्ट इज माई रियल फ्रेंड, और एफर्ट के साथ में अगर स्मार्ट वर्क को भी जोड़ दिया जाए, वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क को भी जोड़ दिया जाए, स्मार्टनेस इज रिलेटेड टू माइंड, समझ गए कि आप कितने स्मार्ट हो, तो इन दोनों लेवल पे काम करते रहना है मरते दम तक, इसको कभी भी छोड़ना नहीं है। नहीं किया तो क्या होगा, जंग लग जाएगा, बस सो सिंपल। और ये जो ट्रैप्स हैं उससे बच के रहना है। जैसे एक साइकिल के लिए जो जंग लगता है वो किसकी वजह से लगता है, पानी की वजह से लगता है ना, जो लगता है कि वो साइकिल को साफ कर रही है, लेकिन साफ करने के बाद अगर आपने चलाई नहीं तो जंग लग जाएगा। ऐसे ही एंटरटेनमेंट है, कुछ देर के लिए आपको लगता है कि मेरे को वो रिलैक्स कर रहा है एंटरटेनमेंट, लेकिन जितनी जरूरत है उतना ही आपने एंटरटेनमेंट लिया, और फिर अगर अपनी गाड़ी को नहीं चलाया, साइकिल को नहीं चलाया, तो जंग लग जाएगी आपके अंदर।